हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम हो गया दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, किंग टोकन ने बहुत कम ही समय में यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है वहाँ पर अपना नाम एक और जगह बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग इसको बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर हम भी आज इसको परचेज करेंगे और सब आपके सामने लाइव करके दिखाएंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको रेफर का भी काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि शुरू में 10,000 कॉइन था और अब यहाँ पर जो है आपको 2,500 कॉइन मिलता है। ठीक है, 2,500 कॉइन आपको मिलता है और इसका इंटरफेस इस तरह से यहाँ पर आपको सब कुछ यूटिलिटी वगैरह वगैरह सब DEX वगैरह सब देखने के लिए आ जाएगा। वाइट पेपर वगैरह, टोकन पर सेल वगैरह सब यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। एंड दोस्तों अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो ये वीडियो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी एक हेल्प करने वाली है। और इस तरह से अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में अगर BNB या स्मार्ट या USDT या कुछ भी है तो यहाँ से आप वॉलेट को कनेक्ट करके और इसको स्वैप भी कर सकते हो। और दोस्तों इसका काफी दिन पहले से यहां पर जो है परचेजिंग चालू हो चुकी है और ये 6 राउंड है। जब हम इसको परचेज कर रहे हैं तो 6 राउंड में कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आप देखेंगे कि हमारे पास रेफरिंग का कितना कॉइन है एंड यहाँ पर जो परचेजिंग का है तो हमारे पास 0 परचेजिंग। तो यहाँ पर आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा कि कितने में कितना यहाँ पर जो है हमको कॉइन मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने इसका रहता है एंड यहाँ पर पूरा हिस्ट्री आपको दिखाता है कि किंग टोकन एक अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेके आया है आपके लिए। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर $10 का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा यहाँ पर जो प्लान है वो लग रहा है एंड अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि लाइफ यहां से चेंज हो सकता है। दोस्तों अगर यहां पर लेके भी जाएगा तो $10 में क्या इसका भला होने वाला है। तो यहां पर जब आप सेलेक्ट कर लोगे आप किसी भी जो क्रिप्टो करेंसी है या कोई भी आपकी करेंसी है उसमें यहां पर आप पे कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर आप उसका पूरा अच्छे से रीड करिएगा, जो भी आपका एड्रेस वगैरह जो भी है। एंड मैं BEP20 में करूँगा, यानी कि USDT में करूँगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस के ऊपर आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको अपना वॉलेट के एड्रेस को ऐड करना होता है, जो कि यहाँ पर आप सबको टोकन नेम वगैरह एंड सब कुछ यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। एंड किस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका ईमेल है और ये फ़ोन नंबर है उस पर यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से 2 OTP सेंड किए जाएंगे आपको। 2 OTP आपको इधर सेंड किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको सब एड्रेस सही से फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका लाइफ टाइम के लिए जो वॉलेट का एड्रेस है वो बाइंड हो जाता है। तो आपको ऐसे कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर एड्रेस नहीं देना है। अगर आपका कुछ एड्रेस गड़बड़ रहेगा तो यहाँ पर ये आपको एक ही पासवर्ड सेंड करने के लिए कहेगा। अगर यहाँ पर आपके दोनों पासवर्ड का सेंड करने के लिए कहता है कि आपका यहाँ पर जो एड्रेस है वो कंफर्म रहेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर बाइंड कर लेता हूँ इस एड्रेस को। तो सब कुछ यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारा जो सब कुछ ठीक है, किंग टोकन है, BEP20 है और वॉलेट का एड्रेस ऊपर है। और यहाँ पर हम सेव के आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 2 ये कोड सेंड करेगा, जो कि एक आपके जीमेल पे और आपके एक फ़ोन नंबर पे। तो ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर का हमको आ चुका है एंड यहाँ पर हमको जीमेल का लेना है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर का हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम इसको बाइंड करेंगे एंड यहाँ पर हमको लेना है अभी यहाँ पर जो ईमेल का वेरीफाई कोड है उसको लेना है एंड पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बैंड करना है। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका बैलेंस है फंडिंग में तो फंडिंग से आपको स्पॉट वॉलेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बारे में भी जानने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं बार बार बाइंड करने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पर बाइंड नहीं होने हो रहा है कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो यहाँ पर मेरा बाइंड तभी होएगा तब यहाँ पर मेरा जो यानी कि बैलेंस है वो यहाँ पर स्पॉट वॉलेट में होएगा। तो फाइनली हमको यहाँ पर जो है OTP रिसीव हो चुका है जीमेल के ऊपर। और जीमेल के ऊपर OTP रिसीव होने के बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे इस तरह से और सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये बाइनेंस का जो अकाउंट है यानी कि जो यहाँ पर किंग टोकन का एड्रेस है वो यहाँ पर आपका बाइंड हो चुका है। और यहाँ पर हमने जो अभी एड्रेस को बाइंड किया है यानी कि एड्रेस को मर्ज किया है बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक इनका टर्म्स है बाइनेंस का, बहुत हाई टर्म्स है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो यहाँ पर आपका बैलेंस लॉस होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही देखभाल के कोशिश यानी कि अच्छे से करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो
मेरा बैलेंस है वो यहाँ पर आपको मेरे को लेना है, यानी कि फंडिंग में यहाँ पर मेरे को कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्पॉट वॉलेट में लेना है, फंडिंग में है तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट पे करूँगा और इस तरह से मैं अपने बैलेंस को इधर कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है विड्रॉ के ऑप्शन पर। ठीक है, तो विड्रॉल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। विड्रॉल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और वैलिडिटी पर क्लिक करना है, नेटवर्क चॉइस करना है और यहाँ पर जब आप यहां पर डालोगे वॉलेट का एड्रेस तो आपको ऑटो भी ये एड्रेस सजेस्ट करेगा जो कि वेब 20 है। एंड यहां पर देखिए सब कुछ मेरा जो है आ चुका है एंड मैं यहां पर 10 USDT यानी कि 10 USDT यहां पर इंटर करूंगा और इंटर करने के बाद इस तरह से आप देखेंगे आपका सब कुछ यानी कि वेब 20 है और 10 USDT है और फंडिंग है, वॉलेट एड्रेस और यहाँ पर आप देखेंगे कि विड्रॉ का जो आइकन है वो सब कुछ ठीक ठाक हमारा यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, यानी कि बाइनेंस हमारी हमें अच्छा से सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, हमारा वॉलेट का एड्रेस वगैरह सब ठीक ठाक है। तो 10 USDT हो गया और विड्रॉल के आइकन पर जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जो कि यहाँ पर आएगा आपको ये सेंड का, यहाँ पर आपको विड्रो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विड्रो सक्सेस हो चुका है दोस्तों और यहाँ पर हमें 10 USDT सेंड हो चुकी है, विड्रॉल हो चुकी है। ठीक है, तो अगर ये हमारा वॉलेट का एड्रेस यहाँ पर अगर सही होगा तो ये हमको 2 से 3 यानी कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका बैलेंस ये रिलीज़ कर देते हैं अगर आपका एड्रेस सही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये बैलेंस रिलीज़ कर देंगे और यहाँ पर नीचे देखिए मेरे को यहाँ पर जो मैसेज है वो आने वाला है एंड मेरा जो बैलेंस है वो यहाँ पर रिसीव हो चुका है और मुझे मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किंग टोकन मुझे कितना यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है दोस्तों। कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 7250 मुझे यहाँ पर कॉइन है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं एंड यहाँ पर मेरे रेफर के कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इनका नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर परचेजिंग का ऑप्शन आया, ठीक है, डिपॉजिट का ऑप्शन आया तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और तब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड होगा और आपका वो फीस में चला जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पर ये परचेज किया हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा अब परचेजिंग का काम जो है वो ख़त्म हो गया एंड मेरे जो रेफर के क्वाइन है वो मेरे यहाँ पर एक्टिव हो गए। अगर दोस्तों आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।